पश्चिम बंगाल में जारी सियासी जंग में आज बीजेपी की नई मोर्चेबंदी। कोलकाता में पुलिस मुख्यालय के घेराव की तैयारी। बीजेपी के लाल बाजार अभियान के लिए जुट रहे हैं कार्यकर्ता, हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता के लाल बाजार इलाके में है पुलिस मुख्यालय। बीजेपी के मार्च को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोलकाता पुलिस के लिए ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती, पूरे रूट पर रहेगी तैनाती। हावड़ा और सियालदह में भी बीजेपी कार्यकर्ता का जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा खुद हिंसा के लिए उकसा रही हैं मुख्यमंत्री। बाबुल सुप्रियो ने कहा संवेदनशील हिंसा के आरोपियों का मिला है रोहिंग्या कनेक्शन। वर्धमान में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प, एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत, तीन घायल। वर्धमान में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पर बमों से हमला, घटनास्थल से एक ताजा बम भी बरामद। हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, टायर जलाकर प्रदर्शन। बंगाल में हिंसा को लेकर सुलग रही है सियासत, बीजेपी का आरोप सारे टीएमसी कार्यकर्ता गुंडे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर लगाया गलत बयानी का आरोप, मौत का आंकड़ा ज्यादा बताने से बिफरी सीएम। बंगाल में हिंसा के बीच टीएमसी सीपीएम को झटका, दोनों पार्टियों से जुड़े 200 मुस्लिम परिवार बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बनेगा राम मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान। 15 सितंबर को होगा शिलान्यास, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। गृहमंत्री अमित शाह की कार्रवाई से घबराई पाक खुफिया एजेंसियां, आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में बनाया नया अलगाववादी गुट, बड़े हमले की साजिश। आईएसआई ने कश्मीर के कुछ अलगाववादियों की मदद से चोरी छुपे एक और अलगाववादी ग्रुप बनाया। सेना और सुरक्षा बल के खिलाफ बड़े हमले का प्लान, नए ग्रुप का प्रेसिडेंट लश्कर आतंकी इरशाद अहमद मलिक को बनाया गया। बिहार में बुजुर्ग मां बाप की सेवा नहीं करने पर हो सकती है जेल, नीतीश सरकार का फैसला। दिल्ली में चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी, सभी विधानसभा क्षेत्र से मांगे गए 3-3 नाम। श्रम कानूनों में संशोधन की तैयारी, इसी सत्र में बिल लाएगी मोदी सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रम मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के साथ की बैठक, कुछ पुराने कानूनों को हटाने की भी तैयारी। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब छात्र छात्राओं के लिए वजीफे की स्कीम। 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगा फायदा, शिक्षा रोजगार और सशक्तिकरण है मकसद। मदरसों के शिक्षकों के लिए मोदी सरकार की नई योजना, आधुनिक ज्ञान विज्ञान और शिक्षा पद्धति के वैज्ञानिक तौर तरीकों की दी जाएगी ट्रेनिंग। स्कूल छोड़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स का इंतजाम, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक लड़कियों को भी फ्री कोचिंग। 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्र छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा से संत समाज नाराज, अल्पसंख्यक की पूछी परिभाषा। संत समाज ने रखी 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। संतों की मांग को मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब, कहा केंद्र सरकार तय नहीं करती अल्पसंख्यक दर्जा। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मोदी सरकार की पहल का किया स्वागत, सबका विश्वास के नारे के से बढ़ा मुस्लिमों का मनोबल। आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल की बैठक, 3 तलाक पर नए सिरे से बिल लाने पर हो सकती है चर्चा। आज मंत्रिपरिषद की बैठक, पीएम ने हर मंत्रालय से मांगा है 100 दिन का रोड मैप और 1 साल का एजेंडा। नृपेंद्र मिश्रा अगले 5 साल तक रहेंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट मंत्री का मिला दर्जा। आज रायबरेली के दौरे पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद पहली यात्रा। सोनिया गांधी और प्रियंका हार गए उम्मीदवारों के साथ करेंगी चर्चा, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से करेंगी मुलाकात। अंबाला में सम्मान समारोह के दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा अमित शाह ने दिया हरियाणा में 75 पार का नारा। शिवपुरी में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे की धमकी, कहा जो अफसर काम ना करे उनकी कॉलर पकड़ लो और खाल उधेड़ दो। बीजेपी नेता विजय गोयल का जल बोर्ड के दफ्तर में धरना, देर रात तक अधिकारी के दफ्तर में रहे मौजूद। बीजेपी नेताओं की मांग, जहां गंदा पानी आ रहा है वहां के बिल माफ हो। दिल्ली आपको एक और झटका, पार्टी नेता विजेंद्र यादव मनोज तिवारी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल। उत्तर प्रदेश में 500 रुपए होगी वृद्धावस्था पेंशन, लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक का फैसला।
यूपी के मदरसों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के लिए नहीं होगी उर्दू की अनिवार्यता, योगी सरकार का फैसला। बेंगलुरु में सीएम कुमारस्वामी और उनके बेटे के खिलाफ वीडियो शेयर करने के मामले में कार्रवाई, दो की गिरफ्तारी। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह 17वीं लोकसभा के प्रथम स्पीकर नियुक्त, सांसदों को दिलाएंगे शपथ। कोयंबटूर में 3 लोगों की संपत्ति की जांच में जुटी एनआईए, आईएसआईएस कनेक्शन के आरोप में तलाश। 13 जून को गुजरात में पोरबंदर और महुआ के बीच टकरा सकता है साइक्लोन वायु, 150 किलोमीटर तक हवाओं की स्पीड। अभी मुंबई के तटीय इलाके के समानांतर गुजर रहा है चक्रवातीय तूफान कोंकड़, इलाके में जबरदस्त बारिश की आशंका। गुजरात के द्वारका में 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी, उससे पहले समंदर किनारे लगी भीड़। कच्छ में अलर्ट के बीच एक्शन में एनडीआरएफ, रिहायशी इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पटना में एनडीआरएफ की 5 टीमें अहमदाबाद पहुंची, इनमें से 3 टीमें राजकोट, 1 द्वारका और 1 टीम भावनगर जाएगी। 1.5 से 2 मीटर ऊंची तक उठ सकती है समंदर की लहरें, मछुआरों के लिए जारी की गई है चेतावनी। चक्रवाती तूफान के दायरे में आने वाले गुजरात के 10 जिलों के लिए अलर्ट, 13 और 14 जून को बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। वलसाड जिले के समुद्र किनारे के गांव को किया गया अलर्ट, पर्यटक स्थलों को किया गया बंद। मुंबई के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी, मछली मारने के समंदर में नहीं जा रहे मछुआरे। बेंगलुरु में 40 घरों के बह जाने का खतरा, एहतियात के तौर पर लोगों को हटाया गया। तरनतारन में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट। यूपी के सीतापुर मौसम मिली करवट, तेज हवाओं की वजह से मिली गर्मी से राहत। धर्मशाला में मौसम का बदला मिजाज, बारिश से तापमान में गिरावट। रात से बारिश से बदला मौसम, बर्फबारी से मिली राहत। कश्मीर के गुरेज पीर की गली इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। झारखंड के धनबाद में आंधी के साथ आई बरसात, 44 डिग्री वाली गर्मी से मिला सुकून। बोकारो में अचानक आई आंधी और बरसात से गिरी मदरसे की छत, मौलाना हाफिज और बच्चे बाल बाल बचे। रोहतक और आसपास के क्षेत्र में मौसम का बदला मिजाज, बारिश ने दी गर्मी से राहत। उड़ीसा में भीषण गर्मी, मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून तक परेशान करती रहेगी गर्म हवाएं। सूरज की तपश ने पंजाब में भी लोगों को किया परेशान, चंडीगढ़ में 44 डिग्री पर पहुंचा पारा। लखीमपुर खीरी में तेज आंधी और घने बादलों की वजह से बदला मौसम, गर्मी से मिली राहत। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में इंसेफ्लाइटिस का खतरा, इस साल 31 बच्चों को की हो चुकी है मौत। हादसे का शिकार हुई सिलचर के सांसद कृपानाथ मल्लाह की गाड़ी, बाल बाल बची। धर्मशाला में जंगल में लगी आग से गहराया संकट, धुएं की वजह से लोग परेशान। टिहरी गढ़वाल के चौरासा झील में अचानक बढ़ा पानी, 4 मजदूर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रायसेन में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों और ठेकेदारों में मारपीट, सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। अलवर में हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा, 8 हथियार और कारतूस बरामद। नोएडा में रंगदारी मामले में मेरठ से 15 गिरफ्तार, आरोपियों में 4 पुलिस वाले शामिल। जमशेदपुर में कोयला खदान के अंदर मजदूरों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर शुरू की गई हड़ताल। गोरखपुर में बदमाशों का एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में फैक्ट्री में रखी तेल की टंकी फटी, 2 की मौत, 3 घायल। बिहार के मोतिहारी में दर्दनाक हादसा, 2 युवकों की डूबने से मौत। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी, 1 फरार। पटना में व्यापारी ने पत्नी बच्चों को गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी और 2 बच्चों की मौत, 5 साल के 1 बच्चे की हालत गंभीर। बर्दवान में हड़ताल से बेहाल मरीज, डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। नौरा के शिव शक्ति अपार्टमेंट के पार्क में 2 बच्चों पर मधुमक्खियों का हमला, 1 बच्चे की अस्पताल जाने से पहले मौत। दूसरे बच्चे की हालत नाजुक, गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर आए थे बच्चे। यूपी के देवबंद में रेप, 6 महीने से लगा रही है इंसाफ की गुहार, आत्मदाह करने की धमकी। यूपी के सहारनपुर में 50 लाख की चोरी का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 41 लाख रुपए बरामद। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में मोबाइल की दुकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। प्रयागराज में बिजली विभाग की टीम पर हमला, बकाए पर काटने गई थी कनेक्शन।
पटना के गर्दनीबाग में बीटेक और सीटेक क्वालिफाई करने वाले छात्रों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उधम सिंह नगर में छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स की पिटाई, वीडियो वायरल। यूपी के झांसी में ट्रेन में सीट को लेकर हिंसक झड़प, दो लोग घायल। पानीपत में मिठाई की दुकान पर लूटपाट, हथियार दिखाकर ले गए पैसे। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। कानपुर में भी गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाटों पर भीड़, हजारों लोगों ने लगाई डुबकी। वाराणसी में धूमधाम से मनाया जा रहा है गंगा दशहरा, अहिल्याबाई घाट पर राष्ट्र की सुरक्षा और शांति के लिए पूजा अर्चना। मथुरा में यमुना में भी गंगा दशहरा पर उमड़ी भीड़, सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कैलाश मानसरोवर के लिए दिल्ली से निकला पहला जत्था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रद्धालुओं को किया रवाना। भारत की वर्ल्ड कप टीम के साथ बने रहेंगे शिखर धवन, कुछ दिनों तक बीसीसीआई की मेडिकल टीम रखेगी निगरानी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में धवन के बाएं अंगूठे में लगी थी चोट, फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक हल्का फ्रैक्चर। चोट की वजह से आज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के मार्कस टॉनिस, कवर के लिए मिशेल मार्श इंग्लैंड रवाना। ब्रिस्टल में बारिश की वजह से श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला रद्द, खराब मौसम की वजह से नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।